वीडियो का ट्रेलर देख के तो आप सबको आइडिया हो ही गया होगा कि आज हम लोग करने लगे हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग। आईफोन 13 प्रो मैक्स जिसको लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स हो गए, बट स्टिल मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स की। अगर तो ये फ़ोन आप लोग ऑर्डर करते हैं एप्पल स्टोर से तो ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने ये फ़ोन एप्पल स्टोर से ऑर्डर किया था और ऑलमोस्ट 2 मंथ लगे मुझे ये डिलीवर होने में। मार्केट प्राइस की अगर यहाँ पे बात की जाए दुबई में तो ऑलमोस्ट 5100 से 5300 दिरहम तक इसकी प्राइस है दिरहम्स में, 256 GB वेरियंट सिर्फ ब्लू कलर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं फ़ोन की अनबॉक्सिंग। सो फाइनली आईफोन 13 प्रो मैक्स का बॉक्स हमारे सामने है, करते हैं इसको अनबॉक्स। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि कैमरा बम्प जो है वो बॉक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेंशन किए हुए हैं, जिसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। एक और चीज़ आपको बताता चलो, एप्पल ने इस दफ़ा जो है वो प्लास्टिक शीट रिमूव कर दी है बॉक्स के ऊपर से, उसकी जगह जो है वो पुल टैब दिया है, जो कि मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। तो करते हैं इस बॉक्स को ओपन, पुल टैब को उतार देते हैं और फाइनली इसको करते हैं ओपन। ओ माय गॉड, कैमरा बम्प्स जो हैं वो एक्चुअल में भी साइज़ में काफ़ी जो है बड़े लग रहे हैं। बॉक्स के अंदर देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया इस दफ़ा एप्पल ने। एज़ यूजुअल एप्पल ने सी टाइप के डाटा केबल और कुछ पेपर वर्क्स हैं एप्पल के, जिसके अंदर एप्पल स्टिकर है और सिम इजेक्टिंग टूल है। सो एप्पल ने चार्जर जो है वो लास्ट टाइम आईफोन 12 प्रो मैक्स के टाइम पे ही बंद कर दिया था, उसके बाद से जो है वो एप्पल अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा। मुझे एक लॉजिक एप्पल की समझ में नहीं आई कि अगर हमें परचेज ही करना है चार्जर तो एप्पल साथ क्यों नहीं देता चार्जर, ये कौन सी लॉजिक है कि प्लास्टिक रिमूव है या जो भी है उनकी लॉजिक है, वो मेरे समझ से बाहर है। खैर करते हैं इसको अनरैप, स्टिकर रिमूव करते हैं और फोन को कर लेते हैं ऑन। जो बैक से लुक है फोन की वो बहुत ही स्लीकी लुक आ रही है, सीरा ब्लू न्यू जो कलर एप्पल ने दिया सीरा ब्लू, बहुत ही स्लीकी लुक आ रही है इसमें। और साइड बाय साइड अगर देखें हम लोग तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आईफोन 12 प्रो मैक्स में और आईफोन 13 प्रो मैक्स में, दोनों की जो एजेस हैं वो सेम है। कैमरा बम्प्स की अगर बात की जाए तो वाकई में एक्चुअल जो साइज़ है कैमरा बम्प्स का वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो मैक्स। और इस दफ़ा लाइडर स्कैनर है उसको भी थोड़ा इम्प्रूव किया एप्पल ने, लो लाइट परफॉर्मेंस कैमराज की काफ़ी इम्प्रूव किया है एप्पल ने। तो ये चीज़ें चल के आगे देखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा इसकी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैमरा डिटेल्स में, कैमरे के बारे में। सो फोन को मैं ऑलरेडी सेटअप कर चुका हूँ, अब बात करते हैं डिफरेंसेस की आईफोन 12 प्रो मैक्स और आईफोन 13 प्रो मैक्स में। जो मेन डिफरेंसेस हैं इन दोनों फोन्स के अंदर, एक तो स्मॉल नॉच है, आईफोन ने इस दफ़ा नॉच जो है वो काफ़ी टाइम बाद, बिकॉज एक्स से लेके आईफोन 13 प्रो मैक्स तक जो है वो नॉच जो है वो सेम आ रही थी, तो आईफोन ने इस दफ़ा नॉच जो है वो काफ़ी छोटी कर दी है। उसके बाद अगर दूसरे डिफरेंस की बात की जाए तो इसका 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले है, जो जिसका एप्पल फैंस को काफ़ी टाइम से वेट था और एप्पल ने फाइनली जो है वो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले आईफोन 13 प्रो मैक्स में दे ही दिया। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, पबजी भी उसमें खेल के देखेंगे बिकॉज पबजी ने भी सपोर्ट दे दी है 90 FPS की, तो उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जो है वो थर्ड डिफरेंस की बात की जाए तो आईफोन का 13 प्रो मैक्स का कैमरा है, आईफोन ने काफ़ी इम्प्रूव किया आईफोन 13 प्रो मैक्स के कैमरे को। इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे पसंद आई है वो सिनेमैटिक वीडियो आई है, क्योंकि अगर आप एक व्लॉगर हैं तो आपके लिए सिनेमैटिक वीडियो जो है वो बेहतरीन चीज़ है, आप इसका बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे सिनेमैटिक वीडियो की, वीडियोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रूव की है, वीडियो नॉर्मल जो वीडियो का कैमरा है उसमें प्रो रेस का ऑप्शन दिया है। उसके बाद जो है वो आईफोन का जो कैमरा है वो वाइड एंगल में भी उसने जो है वो नाइट मोड का ऑप्शन दिया इस दफ़ा, बिकॉज नाइट मोड में 12 प्रो मैक्स जो है वो काफ़ी नॉइज़ पैदा करता था, तो इस दफ़ा जो है वो एप्पल ने इसमें भी जो है वो नाइट मोड दिया है। उसके अलावा जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें आईफोन ने जो है वो 1x और 3x का दिया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, एजेस जो है ब्लरी एजेस होते थे थोड़े थोड़े
वैसे तो आईफोन का जो पोर्ट्रेट मोड है वो सबसे बेस्ट पोर्ट एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड फोन्स, बट इस दफ़ा और ज़्यादा इम्प्रूव किया उन्होंने, एजेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो डिटेल में बात करेंगे कैमरास की और इन बाकी चीज़ों की आफ्टर 1 वीक, बिकॉज अभी तो फ़ोन जस्ट पहुंचा है मेरे पास और मैंने इसको अनबॉक्स किया, तो अभी मैं उस तरह से डिफरेंसेस आप लोगों को नहीं बता सकता जिस तरह से मतलब डिटेल में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है वो डिटेल में आईफोन के कैमरास और हर चीज़ की जो है वो बात करूँगा। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।